तो इस टीले के उस पार, जैसे रोहित ने पहले बताया था कि समुंदर है, और अब हम जा रहे हैं इनसाइड द पोर्टलैंड कि कैसे क्या है। पोर्टलैंड है अभी काम, और यहाँ पे पोर्टलैंड का पोर्ट भी है। हमसे बस एक चीज हो गई, अब नेक्स्ट टाइम कभी इस तरफ आना हुआ साउथहैम्पटन की तरफ, तो आई वुड लाइक टू गो टू आइल ऑफ वाइट। 15 मिनट का ही है, और फेरी से, फेरी के थ्रू होगा, और वो एक नया ही। ओ ले भाई, बच्चे यहाँ के तूफानी हैं, सारे के सारे ऊपर चढ़े हुए हैं। वो स्केटबोर्ड का नहीं होता उस पे, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। मॉडर्न हाउस है, ये नए तरीके के घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये होटल लग रहे हैं, घर घर है क्या, हो सकते हैं, पर थोड़े से ये हॉलिडे टाइप के होम होंगे ना कई। हाँ। लोगों के, अमीर लोगों के फ्लैट टाइप के, तो क्या ही एक्सपीरियंस। थैंक यू रोहित, बहुत सुंदर जगह है ये। तिल निकाल लेगा तुमने स्टोन, ये मॉन्यूमेंट सा कुछ खड़ा कर रखा है। इससे पहले इधर कुछ लिखा हुआ था उन्होंने पत्थरों से, अब फीड ऑफ हो गया है वो। आई पर्सनली लाइक दिस एरिया, अच्छा है। पहुंच गए हैं राबिया पापा और हम। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, व्यू बहुत ही सुंदर है। हम लोग क्लिफ टॉप पर है और राबिया बहुत एंजॉय कर रही है। राबिया की नजर पेड़ पौधों से आगे नहीं जा रही है, मैं उसे समुद्र दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसे जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं उसकी नज़र उससे आगे नहीं जा रही। मैं इसके आगे खड़ी हो गई थी, कुछ खोल के हट जा। तो जो मेरा व्यू है वो एक्चुअली तो यहाँ पे हमने काफी सारे लोग आए हुए हैं, काफी सारी कैरावैंस आई है। आई थिंक यहाँ पे स्टे है कैरावैन कैंपावैंस का, तो मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ। तो ये अच्छा वाला नज़ारा आपने देख लिया है, राव्या घूम फिर के यहाँ पे आ गई है, भूख लग गई इसको, मम्मी को भी थोड़ी सी भूख लग गई है, तो आइसक्रीम इंजॉय की जाएगी इस वेदर में, इस कंडीशन में। यहाँ पे दो मोटर होम यहाँ पर हैं, मोटर होम नहीं है, ये कन्वर्टेड करवाए गए हैं वैन को ना, जो बड़ी वैन होती है उसको चेंज करके। ऐसे ही उस तरफ भी है दो, और यहाँ पे दो लड़कियाँ जो ये हैं कहाँ से है, एक नॉर्वे से है और एक स्विट्जरलैंड से है, यहाँ पे विंड सर्फिंग सीखने आए हैं ये लोग। अच्छा, और ये इसी में रहते हैं। हाँ। तो इनके पास जैसा हमारे पास मोटर होम है इसी टाइप का ही है, इन्होंने घर बनाया हुआ उनको प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ हमने भी डिसाइड कर लिया है, हम भी यहाँ पे अब कुकिंग शुरू कर देंगे, खाना वीना खा के तभी जाएंगे हम कैंप साइट, वहाँ पे गाड़ी लगा के सो जाएंगे। तो यार राव्या यहाँ पे मस्ती कर रही है, मम्मा ने यहाँ पे कटिंग शटिंग शुरू कर दी है, लगता है आज का डिनर यहीं बनने वाला है। और ये हमारा प्यारा सा नज़ारा है विंडो से जो आप देख चुके हैं,
हाँ, are you excited? You very happy? You happy? Oh. और मम्मा वहाँ पे लगी हुई है तड़का मार रहे, जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो भाग जाएंगे राव्या जब मम्मा का लगेगा तड़का, ऐसा लगेगा। तो प्लान में छोटा सा ट्विस्ट ये है कि हमने यहाँ कटिंग वगैरह कर ली है, सब कुछ रेडी है, लेकिन हमने सोचा कुकिंग हम वहाँ जाके ही करते हैं क्योंकि उसके साथ हम अपना सब कुछ और सामान भी सेट कर देंगे राव्या तब तक, क्योंकि कल हमें जल्दी निकलना है, तो व्हील सेट अकॉर्डिंगली कि सब कुछ ऐसे अंदर कर देंगे और अभी जाके हम लोग आराम से खा के सेट करके कल जल्दी से वी आर रेडी टू गो। हाँ, तो उसके लिए जो कल सुबह हमें ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होगा वो सामान भी निकाल लेंगे। We are doing IQ foil, which is an Olympic discipline, and it's a new Olympic discipline, and it has the foil on it, which is new from the old one. And the foil makes us able to fly above the water. Just one question. Yeah. What made you bring, like, what made you interested in this windsurfing? Yes. Okay. So me and my sister started windsurfing because we found our dad's equipment. Okay. And we didn't really know what it was, so we were very curious about it. And the day after, he brought us out on the water, and we got to try it. And ever since that, we have been windsurfing. So which country are you representing? We're representing Norway. Oh, that's nice. Would you like to add a few words? I think she said it all. So as I asked Hella what inspired her for doing windsurfing, it goes same for you, Ellen. I actually only started windsurfing 2.5 years ago. So I was a medical student. I do med school. And I saw the Olympic windsurfers in Italy at Lake Garda. And I was like, what is that? I have to try it. And I tried it one time for the first time. And I was like, okay, Dad, I'm going to go to the Olympics. And here we are. I never stopped training. And I met her like from my first winter. She kind of helped me learn how to windsurf. Oh. It was a little bit embarrassing at the beginning, but I'm getting there. Oh, that's lovely. But yeah. That's strange. Are you a doctor or a nurse or like... तो अब हम यहाँ से चल दिए हैं, वहाँ पे सूरज मध्यम हो रहा है और हमें आज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है ना यहाँ पे। काफी इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप के लोग हैं यहाँ पे, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी जगह है कि बहुत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिले, तो आज हमें, आपने देख लिया होगा कि हमें कौन दो डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन मिले हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जान के कि ऐसी चीज़ें होती है और वो ऐसे इंस्पायर्ड हैं। तो ऐसे ही घूमते फिरते लोगों से मुलाकात होती है और अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही कितना पुराना ग्रेवयार्ड है ये तो। जो पोर्टलैंड है, यूजुअली यहाँ से रॉक वगैरह लेके मुझे लगता है इन लोगों ने घर बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स की माइनिंग हो रही है। हाँ, और इनके बीच में एक रास्ता भी है। ओह ये तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बैक टू आवर आइलैंड। तो हम लोग वापस आ गए हैं जहाँ पे हम, हाँ, तो ये व्यू है हमारा। इन लोगों का ये या तो कुछ लोगों के तो घर है, इनका ये व्यू है। इस व्यू से ये उठते हैं, इस व्यू से सो जाते हैं। वाओ। और किसी को जाना हो तो सीधा सीधा, बिल्कुल। कितना सुंदर लग रहा है। मैं डिनर टाइम हो गया है, राव्या एंड पापा हैविंग डिनर। डिनर में क्या है राव्या के लिए? रोटी एंड बटर। राव्या को रोटी हम गीला ना भूल गए, पैक भी किया था, डाला भी था उसमें, लेकिन फिर हमें रास्ते में बटर लेना पड़ा। तो राव्या को घी के साथ रोटी बड़ी पसंद है, तो अभी लेकिन खाली उसी के साथ खा रही है, बटर के साथ। फिर और साथ में आलू भी मैंने मिक्स भी नहीं किए हैं,
देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा आलू के साथ। शी गोना बी हैप्पी हैप्पी जैपी आर यू गोना बी हैप्पी जैपी हैप्पी जैपी हे गो। उसके बाद हम भी खाना खाते हैं और आज ट्राई करते हैं जल्दी सोने की, फिर हमें 10 बजे तक यहाँ से निकलना है और बैक टू बेसिक बैक टू होम है। ये घर जैसा लगने लग गया है, बताएं यहाँ पे मजा आया हमें, काफी मजा आ रहा था। तो आज डिनर में है रोटी एंड करेला और आलू की सब्जी। करेला मैं दोपहर में बाहर रखा हुआ था काटने के लिए, जब बारिश आ गई थी फिर बाद में नमक लगा के रखा इसको